तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने बगैर मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम जो भी करती हो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से क्यों बुलाते हैं? Who are you? मैं देखो मुझे सब कुछ सच सच जानना है। जैसी मैंने क्या गलती कर दी? You should leave us, जैसी मेरी बात तो सुनो। जैसी जैसी कूल जैसी 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 रुक जाओ। मेजर अंकल आएंगे तो उन्हें अपनी सच्चाई बताना। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना नहीं। Get lost। तुमने मुझे धक्का मारा। मम्मी तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मम्मी तुम रुको 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 क्या कर रहे हो तुम? प्लीज बचाओ। मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी मम्मी सर न्यूज़पेपर बिल। सर हैप्पी न्यू ईयर सर।
अरे मेरा बेटा माँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे लाल। दादी कहाँ गई है? वो जंगल में लकड़ी गई लाने गई है। ठीक है बेटा तुम खेलो। हाँ क्या चाहिए आपको? लक्ष्मी मैडम से मिलना है। ऑफिस में साइन करके जाइए आप। सर मैडम आ रही है, आप जरा साइड में हो जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का क्या प्लान है? फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना है, लीगल एडवाइजर से बात करनी है, उसके बाद जॉब इंटरव्यू। ओके। मैम हाँ इंटरव्यू लिस्ट। ओके सेंड देम। यस मैम। अरुण कुमार नाम? मैडम मेरा नाम अरुण कुमार है, मैंने इंजीनियरिंग की है मैडम। मेरा नाम हरणी है मैडम। लक्ष्मी बीएससी इन केमिस्ट्री, बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी एग्री मैम। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 7 years एक्सपीरियंस। और मैंने इंटर्नशिप में भी काम किया, कंप्लीट सेक्शन में काम किया। टाइम लिमिट के बिना काम करूंगा मैं। कोई भी सेक्शन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैक्सिमम एफर्ट डालूंगी। रूपा हाँ? अरे एक्सक्यूज मी, जरा इसे संभालिएगा। हेलो वर्षा, तुम पहुंच गई क्या? अब क्या करूं? मेरा बच्चा, अरे क्या चाहिए तेरे को, क्यों रो रहा है? मेरा नाम रूपा है, मैंने MBA किया है, यहाँ ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक एक्सीडेंट में गुजर गए, मैं नौकरी करूंगी तभी मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाऊंगी, इसलिए इस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है। मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ उसमें है, आप देख सकती हैं। सिंगल पेरेंट हूँ तो इस जॉब की बहुत जरूरत है। श्योर, आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू मैम। Thank you.
मिस्टर अरविंद प्लीज कम। हाय, आई एम अरविंद। यू फ्रॉम मुंबई। क्या पढ़ाई की आपने? एमएससी इन ह्यूमन रिसोर्सेज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओह, मैंने देखा आप दूसरों को लेकर काफी केयरिंग हैं। आपने उसके बच्चे को अच्छे से संभाला। अरविंद, एक्चुअली आपका नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। कैन आई सी योर फाइल? फाइल? कौन सी फाइल? आप फाइल के बिना इंटरव्यू देने आए हैं? इंटरव्यू? आप मजाक कर रही हैं क्या? आप लक्ष्मी हैं ना? जी हाँ। मैं आपको देखने के लिए आया हूँ। व्हाट? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जानता हूँ, तभी तो आया हूँ। 1400 एकड़ स्टेट में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, साल में 18 लाख केजी टी प्रोडक्शन, फैक्ट्री, कंपनी, स्टेट, इन तीनों की चेयरपर्सन आप ही है ना? और साल 2018 में बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस टुडे मैगजीन ने आप ही को दिया था ना? 136 सालों के पारंपरिक जायदाद का आज का वारिस, आपका नेट असर्ट 968 करोड़। इतना कुछ होने के बाद भी आपकी लाइफ में दुख है? 2 साल पहले आपके हस्बैंड का गुजरना, फिलहाल तो आप दुख से बाहर निकल रही हैं। आप जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी सिंगल मदर को लड़की की जरूरत है, ऐसा आपने अप्लाई किया है और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आने को कहा है, इसलिए मैं आया हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपके भेजे हुए इन्विटेशनल मेल को देखिए। सॉरी मिस्टर अरविंद, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आए हैं, बताओ इन्हें। हाँ, आप मैनेजर इंटरव्यू के लिए आए हैं इसीलिए। मुझे बताए बिना मेरे घर वालों ने वो ऐड दिया होगा। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको बेवजह यहां तक आना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। डेजी, यस मैम, इनके आने जाने का जो भी टोटल एक्सपेंस है वो प्लीज इन्हें दे दो। ओके मैम। पैसे देकर दिखाना चाह रही हो कि आप अमीर हो? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है अपनी गलती को पैसों से छुपाने वाला अमीर लोगों का खून? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अगर कुछ करना ही है तो बाहर वो औरत थी ना जिसकी गोद में एक बच्चा खेल रहा था, रूपा। हाँ, रूपा। आप उसको ये नौकरी दे दीजिए। आपको जो चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन उसके पास है। सिर्फ इतना ही नहीं, शी इज विडो एंड अ सिंगल मदर। आई थिंक शी राइटली डिजर्व दिस। डेफिनेटली। थैंक यू। बुरा लगाने वाली क्या बात है? हाइट 5'10", वी शेप बॉडी, ब्राउन आंखें, ज़ोडियक साइन लियो, बहुत मजबूत माल है, मॉडल जैसा है, इसीलिए मैंने उसको आने के लिए कहा था। पसंद आया हो तो शादी कर लो। अशोक की जगह कोई और, नो चांस। लॉजिकली सोचो, मैं शादी के बाद सिद्धू के साथ यूएस चली जाऊंगी और फिर तुम यहाँ अकेले मिट्ठू के साथ। बहुत पेनफुल है दीदी, अभी तुम्हारी जीने की उम्र है, तुम कोई बेजान नहीं हो। हंसने के लिए, रोने के लिए, तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करने के लिए तुम्हें एक साथी की जरूरत है, और मुझे लगता है अरविंद तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा। शादी कर लो लक्ष्मी, प्लीज। अच्छा ये छोड़ो, मिट्ठू कहाँ है? अच्छा मेरी बच्ची, ये कलर्स कितने खूबसूरत हैं। चलो इसके साथ खेलते हैं। हाँ, हाँ।
बोलो, काम हो गया? नहीं, मेरा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। इडियट, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वेट, प्लान ए फेल हुआ तो क्या हुआ, लेकिन प्लान बी तो है ना। लुक, तुम उसकी कंपनी में सिक्योरिटी ज्वाइन करोगे या फिर उसके ड्राइवर बनोगे ये मैं नहीं जानती। आई डोंट केयर, जितना जल्द हो सके लक्ष्मी के करीब जाना होगा। मैंने जो कह दिया वो होना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। गॉट इट? सब लोग जाकर कहीं छुप जाओ, ओके? ओके। डोंट कम आउट, ओके? ओके। ओके। तुम रेडी हो? आंखें बंद करूं तुम्हारी? रेडी। वन टू थ्री फोर फाइव, नाउ ओपन योर आईज, गो। हेलो, हाँ, ओके, मिठू, नित्या, हाँ? मिठू कहीं नहीं दिख रही। नहीं, मैंने नहीं देखा, क्या हुआ दीदी? अभी तो वो यही खेल रही थी। मिठू, अरे देखो, मिठू, मिठू, घबराइए मत, डॉक्टर उसे देख रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, बच्ची कैसी है अब? Is she all right? Don't worry. She is out of danger now. Thank you, doctor. Hello. Hi. मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने सिर्फ एक जान नहीं बल्कि दो जानें बचाई हैं। कई एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे, मुझे लगा था कि आप चले गए होंगे। मैट्रिमोनियल साइट पर आपको देखा था और देखते ही आपको पसंद करने लगा। मैं हमेशा कहता था कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी माँ की आखिरी इच्छा है मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। वो तो अब होगा नहीं। सोचा था आप इस गांव में दो दिन रुककर चला जाऊं, लेकिन यहाँ के नजारे, यहाँ की शांति मेरे अंदर एक बदलाव ले आई है। अब तो सोच रहा हूँ कि यहाँ नौकरी ढूंढकर यहीं पर रुक जाऊं। आप कहीं और नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट खाली है, मैं आपको दे देती हूँ। फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ही आप रह सकते हैं। लेकिन एक बात, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये काम नहीं है, तो आप सोच के बताइए। इसमें सोचने की क्या बात है? I'll accept it. जब तक हूँ सच्चा रहूंगा, अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं फैक्ट्री के बारे में कह रहा हूँ। He is Mr. Arvind. कुछ लोगों के पास क्वालिफिकेशन होती है तो कुछ के पास सिंसेरिटी, और कुछ लोगों के पास होती है ह्यूमैनिटी, और ये तीनों इनके पास है। इसीलिए आज से ये हमारी फैक्ट्री के नए मैनेजर हैं। कांग्रेट्स सर, थैंक यू। एवरीवन, प्लीज एक्सटेंड मैक्सिमम कोऑपरेशन, ओके? यस यस।
Thank you. You can get back to work. Yes, ma'am. She's Daisy, my secretary. Hi, sir. Hi. Madam, sir से उनका certificate और details ले लूँ क्या? Sorry. मैं job की intention से नहीं आया था. अगर urgent है तो मुझे बस 10 दिन दे दो. मैं सब arrange करके join कर लूँगा. No. वो सब formalities के लिए हैं. That's okay. No need. Okay. Daisy, show him his cabin. Yes, ma'am. Please come. Thank you. मैं यहां कैसे? और आप कौन है? आई एम सुभद्रा. डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सही सलामत हो. तुम्हारा नाम? मैं जॉब अरविंद. अरविंद, रोड एक्सीडेंट में तुम्हें चोट लगी थी, तुम बेहोश पड़े हुए थे. मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी, तुम्हें देखा तो बचा लिया, लेकिन कैब ड्राइवर, वहीं पर उसकी डेथ हो गई. मैंने काफी कोशिश की पर तुम्हारी कोई डिटेल्स नहीं मिली. सूटकेस टूट गया था और खुला पड़ा था, उसमें बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी थी. पुलिस और हॉस्पिटल से सेफ मेरा घर है ये सोचकर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, और मुझसे जितना हो सका मैंने तुम्हारा इलाज करने की कोशिश भी की. डोंट वरी, मैं मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हूँ. यू नो समथिंग, तुम्हें यहाँ आए हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता. I need to get rest. Please. Thank you. अरविंद, तुम्हारा पैसा और ज्वेलरी ठीक है या नहीं चेक कर लो. मैं तो जिंदगी के लिए तड़प रहा था, एक अनजान होते हुए भी आपने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा. आपके ऊपर शक करूंगा क्या? मैं इसे चेक नहीं करूंगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच. अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूं. अरविंद. तुम बाहर जा रहे हो, पुलिस पकड़ेगी तो क्या करोगे? पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी और तुम अपनी फैमिली का कत्ल कर रहे थे. खूनी को पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तो क्या पद्मश्री अवार्ड देगी? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, कुछ गलत फहमी है. ऐसा है क्या राजा? जरा खिड़की से झांक कर देखो. जिस घर को बॉम्ब से उड़ाया वो तेरा ही घर था. पूरे 2 साल से मैं तेरी पड़ोसी हूं. तेरी वाइफ जैसी और तेरे बच्चे सबको मैं थोड़ा थोड़ा जानती हूँ. जैसी मुझे एक दिन शॉपिंग मॉल में मिली थी, उसने कहा कि उसने सेकंड मैरिज की है और तुम्हारी फोटो दिखाई थी. उसने कहा था कि तुम हैंडीकैप हो और बहुत अच्छे इंसान हो. पर एक दिन मैंने तुम्हें टेरेस पर बिल्कुल अकेला देखा, नॉर्मली चलते हुए. फैमिली के सामने अपाहिज होने का नाटक कर रहे थे. बस वहीं पहली बार मुझे तुम पर शक हुआ था, तुम कुछ गलत करने वाले हो ऐसा लगा. तब से 24/7 मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी. जैसा मैंने सोचा था 31st नाइट को तुमने बिल्कुल वैसा ही किया. Thank you.
तुम्हारे पास्ट से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने जो खून किया है उसके बाद तुम दूसरा खून नहीं करोगे, बल्कि उस खून को लेकर बिजनेस करोगे। मैं चाहती तो सब कुछ पुलिस को बता सकती थी, पर मैंने नहीं बताया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसे किसी को ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी विद क्रिमिनल ब्रेन। एक बात कहूं, तुमने जो इतना बड़ा क्राइम किया है उसे छोटे से मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर करके बहुत ही सेफ जगह रख दिया है। अगर तुम मेरा काम करोगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और नहीं करोगे तो पुलिस को दे दूंगी। तुम जेल में सड़ना चाहते हो या बाहर मजे करना, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे क्या करना है? इसका नाम है लक्ष्मी, मेरी दीदी। ये नित्या मेरी छोटी बहन, ये बच्ची लक्ष्मी की बेटी है। शहर की रईस फैमिलीज में से एक हमारी भी है। लक्ष्मी टी स्टेट, अशोक एक्सपोर्ट्स, नित्या रिसोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बड़ी जायदाद है। इस सारी प्रॉपर्टीज की लक्ष्मी ही मैनेजिंग डायरेक्टर है। बहुत अच्छी इंसान है पर बहुत स्ट्रिक्ट है। 24 आवर्स स्टेट, फैक्ट्री, वर्कर्स, फैमिली, यही उसकी जिंदगी है। बाहर की दुनिया नहीं देखी, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं लक्ष्मी से बिल्कुल अलग हूँ। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलते ही मैं मुंबई आ गई, और यहाँ आने के बाद मेरी लाइफस्टाइल ही बदल गई। अपनी मर्जी से जीती हूँ। बॉयफ्रेंड्स, पार्टी, सेक्स, ड्रग्स, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ डूड। ये सब मेरे पापा को पसंद नहीं आया। मुझे बदलने की कोशिश की पर नहीं कर पाए। वो मुझ पर बहुत गुस्सा थे और इसीलिए मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टीज उस लक्ष्मी के नाम कर दी। लक्ष्मी से मैंने अपना शेयर मांगा, रोई, गिड़गिड़ाई, लीगली फाइट करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। मैं दूसरे शहर में सेटल हो गई। मैं तुम्हें अच्छी तरह संभालूंगी, ऐसा लक्ष्मी ने कहा, पर मैं राजी नहीं हुई और गोवा आ गई। अब हर महीने 1,00,000 रुपए मुझे भीख देती है, घटिया औरत। 1.5 साल हो गया मैंने उनसे बात तक नहीं की, सिर्फ प्लानिंग की है उन्हें खत्म करने की। I'm a bad boy. क्या बनाया? ड्राइवर या सिक्योरिटी? फैक्ट्री मैनेजर। ओह, कॉन्ग्रेट्स। तो जो काम करने के लिए वहां गया है वो काम करके जल्दी निकल, वरना पुलिस वहां पहुंच जाएगी। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। टॉर्चर कर रही है। हम जो करने वाले हैं वो बहुत बड़ा काम। अभी तो ज्वाइन किया है। आई नीड सम टाइम। ओके मेरे गुलाम, टेक योर ओन टाइम, बाय। I'm a bad boy. उषा, वॉशिंग के लिए कपड़े डाले हैं। ठीक है मैम साहब। I'm a bad boy. सुभद्रा, every week लक्ष्मी and family एक गेस्ट हाउस में जाते हैं। I'm a bad boy. वहाँ ये 2 दिन ठहरते हैं। उस गेस्ट हाउस में सिक्योरिटी नहीं है, चुपचाप उन्हें वहीं खत्म कर दो। I'm a bad boy. हमारे बेटे के भरोसे हमारा परिवार था मेम साहब, हमारे मरने की उम्र में हम लोगों को छोड़कर चला गया। हाथ पैर सब अलग अलग पड़े हुए थे मेम साहब, सब कुछ चुन चुन के लाए हैं। मैं हूँ ना, मैं आपके परिवार को संभाल लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, जान सकता हूँ ये चेक किसके नाम है? हमारी कंपनी में सूरी नाम के वर्कर को एक बाघ ने मार दिया, ये उसकी फैमिली के लिए है कॉम्पेंसेशन। सो आपकी कंपनी में एक जान की कीमत 10,00,000 है, पैसा देकर सब ठीक हो जाएगा क्या? जो जान गई है वो वापस आ जाएगी, पर बाघ जरूर आएगा, और न जाने फिर किसकी जान जाएगी। महीने में एक बार तो ऐसा होता ही रहता है, तो इसके लिए क्या गांव छोड़कर चले जाए? तुम्हारे परिवार में किसी को बाघ ने मारा है क्या? नहीं साहब। और तुम्हारे? नहीं, 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 नहीं। तो किसी को खोने का दर्द तुम्हें क्या पता?
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अरविंद? इट्स एन एक्सीडेंट। हाँ एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट में मैंने अपनी बीवी को खोया, एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खोया। इस एक्सीडेंट का दर्द मैं अपने दिल में लेके घूम रहा हूँ। ये दर्द पल पल मेरे दिल को कचोट रहा है। जो खोता है उसे ही एहसास होता है। जान की कीमत पैसों से नहीं बल्कि उसे बचा के अदा की जानी चाहिए। अब तक उस बाघ को पकड़ने के लिए आपने कोई कोशिश की? हम लोगों ने पिंजरा लगाया था, पिंजरे के अंदर भेड़ बकरी भी रखी थी, लेकिन वो फंसा नहीं। अब उसको इंसान की जान की जरूरत है। हाँ किया था, जाल बिछाया था हमने। अगर बाघ के मुंह में इंसान का खून लग जाए तो वो मैन ईटर बन जाता है। उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो क्या इंसान की जान को दांव पर लगा दे? हाँ नहीं, हार्ड मांस से बने इंसान के डमी को पिंजरे के अंदर रख सकते हैं। कंपनी में बाघ के आने जाने का बफर जोन 50 किलोमीटर रेडियस के ऊपर रहेगा, तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस रख सकते हैं, कैमरा ट्रैप, सीसीटीवी, थर्मल इमेजरी ड्रोन, सिविल टोर परफ्यूम, इस तरह के बहुत सारे मेथड ट्राई करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब से जंगल में कोई भी अकेला नहीं जाएगा, और अगर जाना ही है तो मिनी बस में आर्म गार्ड के साथ जाएंगे। आज के बाद इस कंपनी में एक भी जान नहीं जानी चाहिए। अरविंद तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू मैम। जो खोता है उसे खोने का दर्द पता होता है। तुमने कहा था कि तुमने उस खोने के दर्द को महसूस किया है, इसका मतलब खोना हम दोनों का कॉमन फैक्टर है। एक खुशी से भरा हुआ पास्ट, एक दुख भरा प्रेजेंट। अगर मेरी बहन और बच्ची नहीं होती तो पता नहीं मैं कब का। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को याद करके मुझमें फिर से जीने की ख्वाहिश जगी है। मेरे सामने जो अरविंद खड़ा है वो भगवान की दी हुई मेरी दूसरी लाइफ है। आई थिंक आई एम इन लव विद यू। मेरी और लक्ष्मी की शादी हो गई। गुड न्यूज तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरी जरूरत है सिर्फ पैसा, नहीं तो उन सब की मौत। वो है मेरे लिए गुड न्यूज। तू कब देने वाला है ये न्यूज? थोड़ा सब्र करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो, सब्र करो। यही बात कितने महीनों से कह रहा है तू? बेवकूफ समझ रखा है क्या? हाँ? अमीर लड़की से शादी कर ली, अब उसके साथ सेटल होना चाहता है। अगर मेरी बात नहीं। सुभद्रा। ए, आवाज नीची रख। देख एक महीने का टाइम है, अगर उन्हें खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ए, क्या बात है, बहुत ज्यादा बोल रहे तू। अरे इतना क्यों? सामने फंस गया, बाघ के सामने जंगल के अंदर फंस गया मैं। अरे लेकिन कहाँ? भटा पा रहे जंगल के अंदर, जल्दी किसी को भेज कर मुझे बचाओ। सर, हाँ, सर, उस तरफ। सर क्या हुआ? कन्हैया बाघ के सामने फंस गया है। दामिर जल्दी से जीप निकालो।
कन्हैया को फोन करके बताओ कि हम आ रहे हैं। ओके सर। आर्म्स वगैरह का इंतजाम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। ओके सर। अरविंद क्या हुआ? कंपनी वाला कन्हैया बाघ के सामने फंस गया, तुरंत जाना होगा। पर इतने लोग तो जा रहे हैं ना, वो देख लेंगे। अरविंद उन लोगों का जाना काफी नहीं है। अरविंद मेरी बात सुनो प्लीज। अरविंद तुम मत जाओ। तीनों गन रेडी है ना? रेडी है सर। ट्रैंक्विलाइजर्स रेडी है ना? हाँ सर। सर, सर, मैं यहाँ हूँ सर। यहाँ सर, यहाँ जाइए। सर जब जल्दी जल्दी निकले यहां से तभी लगा ऐसा कुछ होगा। मुझे समझ में नहीं आता अरविंद, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तुम्हें टाइगर के हैबिट्स का पता नहीं है, ट्रेन हंटर्स भी नहीं पकड़ पाए, तो फिर तुम क्यों गए? तो क्या करता? कन्हैया को बाघ के हाथों मरने देता? फिर न्यूज आती कि एक और जान चली गई। प्रोडक्शन लेवल कहां तक पूरा हुआ? नॉर्थ ईस्ट एरिया 60% कंप्लीट हुआ है, साउथ ईस्ट एरिया स्टार्ट किया है। अगर इतना स्लो काम चलेगा तो फेंस लगने तक 10 और लोगों के मरने की न्यूज आ जाएगी। मैन पावर को इंक्रीज करो, ऑटोमेटिक केजेस हर जगह पर रखो, वाईफाई कनेक्टिविटी ड्रोन्स खरीदे हैं ना, उन्हें इंस्टॉल क्यों नहीं किया? इंस्टॉल किया होता तो ये घटना नहीं होती। चलो छोड़ो, मैं खुद देख लूंगा। अब इस कंपनी में बाघ के हाथों किसी की जान जाएगी तो वो जान सिर्फ मेरी होगी। जब तुम फैक्ट्री के लोगों से बात कर रहे थे
तो सभी के चेहरों पर विश्वास नजर आ रहा था। तुम्हें सबकी बहुत फिक्र है, तुम्हें इस बात की चिंता है कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, पर जब तुम अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसे खतरे उठाते हो तो सच में मुझे बहुत डर लगता है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। ए, डरो मत। तुम जो सोचकर डर रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे दिया है मैडम, कार में है। ओके।
हे नित्या, कल ऑडिटर ने पैसे देकर भेजे थे, मैं कार से निकालना ही भूल गई। अरे फिर क्या था, आधी रात को याद आया तो मैंने गाड़ी से पैसे निकाले और निकालकर बेसमेंट में रख दिए। कितना है दीदी? 10 करोड़ के आसपास, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया। अरविंद को ऑफिस जाने दो, फिर हम लोग बैठकर काउंट करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ जीजा जी, डल दिख रहे हो, तबीयत खराब है क्या? ए, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? कहो तो डॉक्टर को बुलाऊं। आई एम ओके, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा मूड खराब है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? मेरा फ्रेंड है शक्ति, उसकी बहन को मेडिकल सीट में एडमिशन के लिए आज 50 लाख रुपए की जरूरत है, वो मुझसे मांग रहा है। कौन है वो फ्रेंड? मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, अगर आज हम उसे 50 लाख दे देंगे तो उसकी टाइमली हेल्प हो जाएगी, एक हफ्ते के बाद वापस कर देगा। कैन यू? क्या 50 लाख? नहीं अरविंद, हाथ में इतना कैश नहीं रखते हैं, लिक्विड कैश बस 2 लाख के आसपास ही। मेरा दोस्त भी बेवकूफ है, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरी पत्नी करोड़पति है तो मैं थोड़ी ना करोड़पति हो गया। मेरा दोस्त गलत सोच रहा था, मैं दिन में कंपनी का मैनेजर हूँ, रात में तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ और तुम्हारे बच्चे का ड्राइवर हूँ, मैं एक अनपेड नौकर हूँ, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है ना। अरविंद ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा ना कि हाथ में पैसे नहीं है, फीस नहीं भरेंगे, ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना। मुझे तुरंत उस फ्रेंड का नाम, उसकी कॉलेज डिटेल्स, बैंक डिटेल्स दो, मैं तुरंत ट्रांसफर करती हूँ। किस कॉलेज में डोनेशन का अकाउंट लिया पता नहीं, नहीं देना तो मना कर दो, बेवजह इंसल्ट मत करो। अरविंद, अरविंद, क्या दीदी ये क्या कर दिया आपने? हमारे पास कितने सारे पैसे हैं? 50 लाख उधारी तो मांग रहे थे, वो भी एक लड़की की पढ़ाई के लिए। क्या तुम भी ना नित्या, क्या चाहती हो, सीधा ले जाकर लॉकर में करोड़ों रुपए पड़े ये दिखाने के लिए कह रही हो क्या? हाँ तो इसमें गलत क्या है? अरविंद तुम्हारे हस्बैंड है दीदी, अभी तक तुम्हें उन पर विश्वास नहीं हुआ है क्या? जीजाजी बहुत अच्छे इंसान है। वो अच्छे इंसान है यही तो मुश्किल है, एक साथ इतने पैसे देखना हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन अरविंद के लिए ये सब नया है। पैसों की चमक किसी भी इंसान को बदल सकती है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं अरविंद को बहुत पसंद करती हूँ लेकिन उसे खोना नहीं चाहती नित्या। आई कैन अंडरस्टैंड दीदी, लेकिन जीजाजी अभी बहुत हर्ट हुए हैं। अरविंद, अरविंद, मैं खुद एक क्रिमिनल हूं और तू मुझे अपना अंडरग्राउंड का काम दिखा रही है? क्या कहा तूने मुझसे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे बेवकूफ बना रही है क्या? मारने से ही दर्द होगा, मर्डर से ही मिलेगा, ऐसी बात है? तुझे मार दूंगा, तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। ए, क्या हो गया? मेरा फोन अवॉइड कर रहा है, पागल हो गया है? सुभद्रा, प्लीज अंडरस्टैंड मी। शट अप, सब जानती हूँ मैं। मामूली इंसान अमीर लड़की से शादी करने के बाद उछलना शुरू कर देता है, और तू तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अभी तक शांत बैठा है, इसका मतलब तेरे दिमाग में जरूर कोई प्लान चल रहा है। प्लान के बारे में नहीं जानती, लेकिन एक बात तय है, अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना। स्टॉप इट सुभद्रा, मैं बहुत अपसेट हूँ, 2 दिन का टाइम दे दो मुझे, मैं गोवा आकर मिलता हूँ। 2 दिन का टाइम नहीं दे सकती, 2 घंटे का टाइम दे रही हूँ, मैं इसी शहर में हूँ, पैलेस गेस्ट हाउस, वहीं आकर मिल वरना पुलिस तुझे ढूंढ लेगी। ब्लैकमेल,
चाहूं तो एक झटके में तेरा भेजा उड़ा सकती हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जानता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम, एड्रेस सब कुछ झूठ है। याद रख, खत्म कर दूंगी तुझे। तो खत्म कर दो ना। कम ऑन शूट, वेट क्यों कर रही हो? चलाओ गोली, चलाओ। तुमसे नहीं होगा, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं ही वो पैसे निकाल सकता हूं, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दीदी के पास 10 से 15 करोड़ रुपए हैं, है ना? हाँ। फूल, उसके पास सिर्फ पैसे ही नहीं है, पूरा खजाना है। वो भी ऐसी जगह जहां किसी को शक नहीं होगा, बेसमेंट वाले सेफ रूम में है। ये देखो, कम से कम 500 करोड़ तक तो हैं। वीकेंड पे लक्ष्मी, बच्ची और नित्या तीनों गेस्ट हाउस जाते हैं। रास्ते में तीनों को एक ही साथ, एक ही वक्त में खत्म कर देंगे, उस वक्त जब मैं शहर में नहीं रहूंगा। उसके बाद खबर सुनकर मैं रोते पीटते भागते हुए आऊंगा। मुझे रोता देखकर पूरी कंपनी रोएगी। और एक दिन तुम भी आकर एक्टिंग कर लेना। फिर सब खत्म होने के बाद तुम कहना कि तुम गांव जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स करके यहीं रोक लूंगा और मैं तुम्हें कंपनी का MD बना दूंगा। थोड़े दिन शराफत से जिएंगे, उसके बाद खजाने को थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे और फिर एक दिन कंपनी को बेचकर निकल जाएंगे। यस, क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है। अरविंद, सब होने के बाद हम फॉरेन चले जाएंगे और वहां जाकर शादी कर लेंगे। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा सुभद्रा। मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। हम एक दूसरे के लिए मुसीबत है, इसलिए हम दोनों फंस सकते हैं। ये जो तुम्हारी ईमानदारी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इतने उदास क्यों बैठे हो? लक्ष्मी की याद आ रही है क्या? अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो क्या मैं तुम्हारे हाथों फंसता? क्या एक्सीडेंट नहीं होता? वो एक्सीडेंट मैंने ही किया था डार्लिंग। अगर मैं तुम्हें बुलाती तो तुम आते क्या? नहीं ना, इसलिए प्लान बनाए। कैसी लगी? पहली बार तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है। क्यों? हम जो पैसे चुराएंगे उसमें से अगर तुमने मुझे शेयर नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे पुलिस से पकड़वा दिया तो? I'm not a professional blackmailer। मेरा पैसा लाकर मुझे दे रहे हो, इसके लिए तुम्हें यूज किया, बस इतना ही। तेरा शेयर तुझे जरूर मिलेगा, बिलियो मी। साथ में वो जो वीडियो चिप सेफ लॉकर में रखी है वो भी दे दूंगी ना। अरे पागल, लॉकर मतलब बैंक का लॉकर समझ रहे हो? नहीं, बॉडी लॉकर में, ये देखो। बॉडी में? वो कैसे? 3 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है, अगर इतना भी पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ये भी कोई नशा करने वाली चीज है। ये होता है नशा, एक बार लेके देखो, ऐसा लगेगा कि स्पेस में घूम रही है। चाहिए क्या? दे दो। <laughs>
मैंने जो तुम्हें दिया है ना, वो नशीला इंजेक्शन नहीं है, कुछ और है। तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो, सुन सकती हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अक्सर तुम जैसी औरतों को मेरे जैसा हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। एक अमीर फैमिली को लोकेट करके उसमें अंदर घुसने का प्लान बनाकर मैं हैप्पीली सेटल हो जाता हूं, और जब उनको मेरे बारे में पता चलता है तो मैं सबको खत्म करके अपना अगला टारगेट ढूंढता हूं। ये मेरा स्टाइल है। गोवा वाले मामले में थोड़ी सी गलती हो गई और तुम्हारे हाथों फंस गया, लेकिन फिर भी तुम्हें थैंक्स बोलूंगा। तुमने सिर्फ मुझे अपनी अमीर बहन से नहीं मिलवाया, बल्कि एक खजाने से मिलवाया है। इस खजाने को छोड़कर क्यों मैं शहर शहर भटकूं? अब तो खुशी से लाइफ लॉन्ग यहीं पे सेटल होने वाला हूं, और इसके बाद लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना है। लेकिन मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मुझे जो वीडियो क्लिप चाहिए वो तुम्हारे पास है। इस मेमोरी कार्ड के लिए तुमने जो कुछ मुझसे कहा मैं करता गया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये मेमोरी कार्ड तुम्हारी बॉडी में है तो तुम्हें कक्का मार के इस मैटर को हमेशा के लिए सेटल कर देता। और क्या कहा था तुमने मुझसे? कि तुम इस शहर में हो, इसे कोई नहीं जानता। हे बेबी, तुम इस दुनिया में थी, इसका नाम निशान ही मिटा दूंगा मैं। सुभद्रा, See you in hell. Congrats, sir. Congrats, sir. Congrats, sir. Welcome. Thanks. ये सब क्या है? चलो बताती हूँ। पढ़ो। ये क्या है? पढ़ो। आज के बाद तुम इस फैक्ट्री के मैनेजर नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो। लक्ष्मी एस्टेट और बाकी प्रॉपर्टीज के लिए अब तुम भी एक लीगल वारिस हो अरविंद। अचानक ये सब क्यों? अचानक नहीं, अच्छी तरह से सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया है। यू ट्रूली डिजर्व दिस। Congratulations. हेलो, जरा जल्दी आओ। तुम जिस जगह पर बैठे हो ना, उसकी अपनी एक परंपरा है। उसके लिए सिर्फ टैलेंट और क्वालिफिकेशन काफी नहीं, एक अच्छा दिल भी होना चाहिए। और वो तुम्हारे पास है, बहुत बड़ा दिल है। I'll be back. Yeah. Hello? पापा के समय से मैं तुम्हारी कंपनी का लीगल एडवाइजर हूं। कोई भी मेजर डिसीजन हमसे पूछे बगैर नहीं लिया गया, लेकिन इस मामले में तुमने जल्दबाजी कर दी बेटी।
उनको यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, उनके बारे में अच्छी तरह जाने बिना इतनी जल्दी में आप क्या बोल रहे हैं? इज माय हस्बैंड, उसके बाद और क्या चाहिए? देखो बेटी, शादी आपका पर्सनल मामला है, उसमें हम दखल अंदाजी देना नहीं चाहते, लेकिन ये मजदूरों की जिंदगी का मामला है, हम लोगों को पूछे बिना उनको MD बनाना ठीक है जस्ट फॉर पोस्ट, लेकिन पूरी जायदाद का वारिस बनाना ये कुछ सही नहीं लग रहा बेटी। नहीं अंकल, आज मॉर्निंग में जो हुआ था उस बात से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया है। तो इसके बदले जायदाद उसके नाम करोगी? इसमें कितनी फॉर्मेलिटीज हैं। बोर्ड मीटिंग अरेंज करके सभी की ओपिनियन जानने के बाद ही फाइनल करना चाहिए। ये तुम्हें पता नहीं क्या, इतनी टैलेंटेड लड़की हो। ठीक है, डोंट मेक इट ऑफिशियल। लेकिन अभी तुरंत जाकर कहना कि आप MD नहीं हैं तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं? एक काम करो, अभी लीगल ट्रांसफर कुछ मत करो, तुम्हारे हिसाब से उन्हें MD रहने दो, एटलीस्ट इस पॉइंट पर रहकर उनके बारे में डिटेल इंक्वायरी करेंगे, अगर सब ठीक रहा तो रजिस्टर करेंगे। पर कब तक? कोई भी पोटेंशियल पावर के बिना पावर रबर स्टैंप ही रहेगा। हुई है, 3 विदेशी टूरिस्टों की पणजी में बेरहमी से हत्या हो गई है। दिन ब दिन गोवा में इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में जब प्रेस मीटिंग हुई तो आइए देखते हैं कि SP मंगल गिल ने क्या बयान दिया है। लोनली स्पॉट को ढूंढने वाले टूरिस्ट कपल कल्प्रिट के टारगेट होते हैं। चेक पर साइन कर दीजिए, मैडम ने कहा है कि अर्जेंटली भेजना है। हम कई बार वो सर, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। जितना हो सके हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। कुछ दिन पहले जेसी की फैमिली को मारकर उसके घर को ब्लास्ट करके चला गया था। इस तरह के ब्रूटल मर्डर इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हाई प्रोफाइल केस है, वी विल सून फाइंड आउट। आपने ऐसा हमें बयान दिया था। ये स्पॉट मर्डर और जेसी फैमिली मर्डर का आपस में कोई संबंध नहीं। टूरिस्ट स्पॉट वाला मर्डर सेक्स और ड्रग्स के लिए हुआ, और वो ब्रूटल मर्डर प्री प्लान करने वाला जेसी का हस्बैंड है। उस पर कोई शक न हो, इसलिए उसने एक न्यूज़पेपर बॉय की बॉडी को अपनी जगह पर रख दिया। इसके अलावा हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए खूनी सोच रहा होगा कि वो बच गया है। बट नाउ वी हैव सब्सटेंशियल एविडेंस। खूनी जिस कार से निकला है उस कार का एक्सीडेंट हुआ है। उस कैब ड्राइवर के सिर पे चोट लगी थी और वो कोमा में चला गया था। अभी उसके दिए बयान के अनुसार जेसी के घर से कत्ल करके निकलने वाला एक ही इंसान है। सिर्फ इतना ही नहीं, कलकत्ता में एक फैमिली को खत्म करने वाला यही हो सकता है। आप किस बिना पर कह सकते हैं कि वो दोनों एक ही शख्स है? मोडस ऑपरेंडी, दोनों का टारगेट रीच सिंगल मदर। कत्ल करने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट करके सारा सबूत मिटा दिया है, और दोनों ने अपना चेहरा छिपाने के लिए बारिश ना होने के बावजूद छतरी लेकर निकले। इफ आई एम राइट, ये उसका पहला या दूसरा कत्ल नहीं है। He must be a serial killer. इस तरह के सीरियल किलर्स 4 महीने से ज्यादा चुप नहीं बैठ सकते। अभी उसने अपना अगला टारगेट फिक्स कर लिया होगा। सभी स्टेट्स में उसका स्केच जा चुका है। इस बार वो जरूर कहीं ना कहीं फंसेगा। His days are numbered. इस मामले में जांच चल रही है, आइए देखते हैं कि देश विदेश में क्या चल रहा है। मेरी परछाई को भी छू नहीं पाएंगे। मिस्टर अरविंद? हाँ, यस। यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट?
रिलैक्स बड़ी, यू गॉट स्केयर्ड ना? आई एम विजय, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऊटी, लक्ष्मी का क्लोज फ्रेंड. नाइस टू मीट यू. यू नो, मैं, लक्ष्मी, अशोक, ऑल एग्स फ्रॉम वन बास्केट. बहुत ही कमाल का ग्रुप था, तब से लेकर अब तक 26 years. फिर छोटा सा गैप आ गया, डेप्यूटेशन से ऊटी छोड़कर जाना पड़ा. नाउ आई एम बैक. नाइस टू हैव यू बैक. थैंक यू. यू नो, अशोक के गुजरने के बाद लक्ष्मी बहुत ही डिप्रेस थी. अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ. और उसकी वजह आप ही हैं, जानता हूँ. यू आर फ्रॉम चेन्नई? मुंबई. आपने पढ़ाई कहाँ से की? स्टैनफोर्ड. लेकिन लक्ष्मी ने तो बताया कि हार्वर्ड से की है. वहाँ ओजी था, यहाँ पीजी. पहले कहाँ काम करते थे? अबार्डिया इंडोर. इंडोर, लेकिन वो तो बंद हो गया. 2 साल हो गए. 2 साल आपने क्या किया? हाँ, जड़ी बूटी बेच रहा था हिमालय में. कम ऑन ब्रदर, तुम्हारी फ्रेंड ने मेरा इंटरव्यू लिया और तुम मुझे इंटरोगेट कर रहे हो. पूरा ग्रुप ही ऐसा है क्या? ओके, लेट्स कैच अप फॉर अ ड्रिंक सम टाइम. मैं शराब नहीं पीता. क्या बात कर रहे हो? नो शराब, नो सिगरेट, कोई भी बुरी हैबिट नहीं है क्या? कभी कभी थोड़ा झूठ बोलता हूँ. आह, नाइस वन. ओके, वील कैच अप. जॉन, ए जॉन, कितनी बार कहा है कि फाइल्स के बगल में कॉफी का कप मत रखा करो, इडियट. तुम्हारी मैडम से कंप्लेन करनी पड़ेगी. हे जॉन, जॉन, अच्छा नाम है ना? फिर तूने अपना नाम अरविंद क्यों बदल दिया? न्यूमरोलॉजी है क्या या एस्ट्रोलॉजी है? ए, तुम क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ. जॉन पुकारते ही पलट कर देखते हो, जॉन नाम सुनकर घबराते हो. गोवा में बड़ा हादसा हो गया, न्यूज देखकर पसीने छूट गए. टाटा इंपेक्स को देने वाले चेक पर अरविंद के बदले साफ सुथरे अक्षरों में जॉन लिखकर साइन किया है. फ्रॉड. ए, कौन है फ्रॉड? तू है. पुलिस को देखकर इतना डर गया था. कौन है तू? गलत करने वाले ही घबराते हैं ना. तुझे देखकर लगता है तूने जरूर कुछ गलत किया है. नशा करके आई है क्या? बहुत बकवास कर रही है. हाँ, एमडी से बात कर रही है, नौकरी से निकाल दूंगा. अरे रे एमडी सर, नौकरी से मत निकालना सर, डर लग रहा है अरविंद सर. सॉरी सॉरी जॉन सर. जॉन मेरा निकनेम है. ओ, निकनेम मतलब तुम अपना धर्म बदल लोगे क्या? मैंने तुम्हें चर्च में देखा था, उस बात को सीरियसली नहीं लिया. तूने मैडम को जो अपने बारे में डिटेल्स बताया था वो सब मैंने नेट में सर्च किया, तो ये खूबसूरत नाम अरविंद तेरा है ही नहीं. तूने जो भी डिटेल्स दिया वो बिल्कुल मैच नहीं हुआ. एक लड़की को तुमने नौकरी दिलवाई तो मैंने तुम्हें सच्चा इंसान समझा, लेकिन एप्लीकेशन दिए बिना तू मैनेजर पोस्ट पर बैठा था ना, तभी मैं समझ गई तू शातिर इंसान है. ड्रामा करके मैडम को अपने जाल में फंसाया, वो तेरा मास्टर प्लान था. और तू उनको उठाकर उनकी जगह पर बैठा है ना, यही तेरा असली प्रोजेक्ट है. जो बुरा इंसान अच्छा बनने का नाटक करता है वो सबसे बुरा होता है. तू डेंजर है मुझे पता है, लेकिन फ्रॉड और क्रिमिनल है ये नहीं पता था. तुझे एक्सपोज करने के लिए मेरे पास एक प्रूफ है और वो काफी है. क्यों, मुझे जान से मारने का मन कर रहा है क्या? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. मिस्टर अरविंद उर्फ जॉन उर्फ मिस्टर एक्स. ठीक है, तुझे कितना चाहिए? टू स्मार्ट. इवनिंग को मेरे घर पर मिलते हैं. नित्या, मिट्टू, कम कम, यू आर गेटिंग लेट. हाँ मम्मी. हे, क्या कर रही हो? बोलिए प्रकाश. मैडम, आपने कहा था कि कल आप चेक भेज रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया. ऐसा है क्या? ठीक है, मैं देखती हूँ. क्या बात है रामनाथन, अभी तक टाटा इंपेक्स का चेक क्यों नहीं भेजा? मैंने कल ही डेजी को दे दिया था मैडम. दिया था कहने से काम हो गया? क्लियर हुआ या नहीं? डेजी को फोन करके पूछे. वो आज आई नहीं, फोन भी स्विच्ड ऑफ है. चले.
हेलो, डेजी ने तुम्हें कोई चेक दिया था क्या? कल ही साइन करके उसको दे दिया था। आज वो ऑफिस नहीं आई है, तुमसे कुछ कहा था क्या उसने? वो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, तुम कैसे वीकेंड में जाकर एंजॉय करती हो, वैसे ही वो भी वीकेंड ट्रिप पे गई होगी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, हम सब गेस्ट हाउस के लिए निकल रहे हैं, तुम भी फ्री हो के आ जाना। ओके बाय। अरे बाप रे, कितना दूर है। डेजी, डेजी, मैडम ने आपको बुलाया है। डेजी, ये कौन खाएगा? हाँ हाँ, मैम आपका फोन आया है। हेलो, या विजय, लक्ष्मी एक बैड न्यूज है, डेजी वॉज ब्रूटली मर्डर्ड। व्हाट? यस, उसको मार कर घर के बाहर गार्डन में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, लगता है आने वाला किसी चीज को ढूंढने आया होगा। इट शुड बी समथिंग पर्सनल, पक्का वो उसकी जान पहचान वाला होगा। पांच परसेंट, 7%, काफी नहीं है। 10% और कितना? 5-10% ब्रोकर्स लेते हैं, मैं ब्रोकर नहीं हूं। ओके, तुझे एक ऑफर देती हूँ, तेरे खेल में मुझे साथ रख ले, लाइफ में भी और बिजनेस में भी, 50-50। ओके है तो डील कर, वरना जेल। ए, ये सब नहीं होगा। ठीक है, मैडम को बताती हूँ। छोड़ दे मुझे। चेक कहाँ पर है? नहीं दूंगी मैं, जाओ। नहीं देखी ना, मैं खुद ही ले लेता हूं। तुम ये सब सहन नहीं कर पाओगी, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तुम ठीक हो? बोलो, प्लीज स्टे हियर। ओके, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं, जाओ ले जाओ। कैसे हुआ बेचारी? लक्ष्मी आओ। एनी एविडेंस? नो। मोटिव क्या हो सकता है? और क्या मोटिव हो सकता है, डेजी 28 साल की लड़की थी, खूबसूरत थी, सिंगल, अनमैरिड।
What do you think? ऐसा ही हुआ होगा। पहले प्यार और फिर धोखा। हो ना हो जरूर यही बात होगी। जरूर डेजी से किसी ने अपने प्यार का इजहार किया होगा। डेजी ने उसको मना कर दिया होगा। फिर डेजी ने उसको बदनाम किया होगा। इसी बात से गुस्सा होकर उसने डेजी को मार कर यहाँ दफना दिया। कमाल है, तुम्हारा प्रेडिक्शन 100% सही होगा। नहीं, और भी वजह हो सकती हैं। जो भी यहाँ आया था डेजी उसके साथ किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हुई होगी। उसके बाद उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई होगी और जब डेजी ने भागने की कोशिश की तो उसने उसका यहीं पर कत्ल कर दिया। और कौन हो सकता है? उसका कत्ल करने के लिए पाकिस्तान से कोई आतंकवादी तो आया नहीं होगा। यहां से 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो खूनी है और अगले 48 आवर्स में मैं उसको पकड़ के दिखाऊंगा। 48 आवर्स। उसको पकड़ते ही मुझे बताओ विजय, मुझे उसको देखना है। डेजी वॉज नॉट जस्ट अ स्टाफ, शी इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। प्लीज डू द नीडफुल। या सर, व्हाट? इस चेक की ओरिजिनल कंडीशन कुछ ऐसी है, सिग्नेचर क्लियर नहीं है। लक्ष्मी स्टेट का चेक है। ये चेक ब्रा के अंदर उसने क्यों छिपा कर रखा था? दिस विल लीड टू द किलर। सेंड इट टू फॉरेंसिक। ओके सर। सर, इस चेक को ओरिजिनल कंडीशन में हमने निकाल लिया है। सिग्नेचर को हमने रिट्रीव किया है। जॉन नाम से साइन किया है। जॉन? Who is John? यहाँ पर जॉन नाम का कोई है क्या? है सर, वो चाय देने वाला लड़का। सर, मैं हूँ जॉन। तेजी पैसों की लालची लड़की थी सर। बहुत अच्छी लड़की थी सर। तेज लड़की थी। विदेश जाकर पैसे कमाना और अमीर जिंदगी जीना उसका लक्ष्य था सर। काफी सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। मैडम के लिए सब कुछ वही थी सर। वो मैडम की नकल करती थी सर। मैडम की सीट पर बैठती थी और अरविंद सर के ऊपर उनकी नजर थी। ए, फालतू की बकवास नहीं चाहिए। चेक वगैरह पर कौन कौन साइन करता है? 1 लाख तक तो मैं ही कर देता हूँ। उसके ऊपर पहले लक्ष्मी मैडम और अब MD अरविंद सर करते हैं। इस वीक में कोई टाटा इंपैक्स का चेक इश्यू हुआ है? हाँ सर, 70 लाख का पेमेंट है। डेजी को चेक देकर MD सर से साइन करवा कर डिस्पैच करने के लिए कहा था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, वो चेक मिसिंग है सर। चेक क्लियर ना होने की वजह से मैडम को बहुत टेंशन हो रही है सर। आपके MD का साइन किया हुआ कुछ रेफरेंस है क्या? क्या सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक छोटा सा वेरिफिकेशन करना है। मैं लक्ष्मी से बात करता हूँ। मैं देता हूँ सर। सर, सर वो चेक देना। सेम स्टाइल, सेम स्ट्रोक, दोनों साइन एक जैसे ही है, एक ही आदमी के। जानते हो मुझे नित्या, कम ऑन, पिक अप फोन को अटेंड कर। मुझे भी तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स पता है। शिट। बोलो विजय। ऑफिस में भी नहीं है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वीकेंड है इसलिए अपने गेस्ट हाउस में आए हैं। ओके, वेयर इज अरविंद? क्यों? यहीं पर है। क्यों, क्या हुआ? अरविंद को बताए बिना थोड़ी दूर जाकर बात करो, हमारी बातें उसे सुनाई नहीं देनी चाहिए।
क्या हुआ? डेजी की बॉडी चेक करने पर हमें उसके कपड़ों में तुम्हारी कंपनी का एक 70 लाख का चेक मिला है। उस पर जॉन नाम से साइन है। जॉन? यस। वो क्यों साइन करेगा? हाँ, उसने किए हैं। अरविंद ने जॉन नाम से किए हैं। अरविंद क्यों जॉन नाम से साइन करेगा? हाँ, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन डेजी के मर्डर से अरविंद का जरूर कोई संबंध है। ये तुम क्यों बोल रहे हो? मुझे पूरा शक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, कहो तो मैं अरविंद से पूछ के देख। नहीं नहीं नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। और तुम ऐसा बर्ताव करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। और अरविंद को कहीं बाहर मत जाने देना। लक्ष्मी, मुझे अरविंद पर डाउट है, मैं आकर क्लियर कर लेता हूँ। 1 घंटे के अंदर मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा प्ले करते हो, कहाँ से सीखा है? चर्च में। चर्च में? चर्च में मेरा फ्रेंड बजाता है, उसने मुझे सिखाया। अरविंद सर को चर्च में देखा था, वो क्रिश्चियन है क्या मैडम? क्यों, चर्च में सिर्फ क्रिश्चियंस ही जा सकते हैं क्या? जाओ, जाकर अपना काम करो। ये लो। नहीं। नित्या, आई दीदी। मैं यहाँ पर हूँ और तुम फोन के पीछे पड़े हो। मिट्टू को रूम में ले जाओ। ठीक है। क्यों, यहीं पर रहने दो ना। हमें प्राइवेसी नहीं चाहिए क्या? बहुत ही रोमांटिक मूड में लग रही हो तुम। क्यों, नहीं रहना चाहिए क्या? मुझे सर में हल्का दर्द हो रहा है, टैबलेट खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कुछ है क्या? बेडरूम में है, मैं जाकर ले आती हूँ। मैं खुद जाकर ले लेता हूँ। उससे पहले तुम्हारे हाथों की एक कप कॉफी, उसके बाद रोमांस। श्योर, आई बी बैक इन 5 मिनट्स। अरविंद, तुम्हारी अरविंद, ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स। अरविंद, कुछ नहीं होगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं। रिलैक्स। डरो मत, ये जहरीला इंजेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्शियल नमनेस। तुम्हारी आंखों के नीचे सब नम हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। मैं किसी एक फैमिली के साथ 1 साल से ज्यादा नहीं रहता। जैसे ही किसी को मुझ पर डाउट होता है तो मैं सबको खत्म करके अगले टारगेट को ढूंढने एक जंगली पंछी की तरह निकल पड़ता हूं। मुझे बस चाहिए पैसा, 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 अल्टीमेटली पैसा। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारा
मैट्रिमोनियल एड देखकर तुम्हारे पास आया था। मुझे यहाँ पर भेजने वाली तुम्हारी बहन सुभद्रा थी। तुम्हारे पास से सारा पैसा निकालने का प्लान उसी ने बनाया था। वही तो थी ब्लडी ब्लैकमेलर। वो मुझे जैसा जैसा कहती मैं वैसा करता रहता, इसीलिए इधर आया था। लेकिन तेरे पास इतना पैसा है ये देखकर मैंने यही सेटल होने का फैसला ले लिया। एक छोटे से सिग्नेचर से मेरी तकदीर बदल जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो डेजी, वही तो थी। उसने मुझे पहचान लिया इसलिए गई काम से। किसी को पता ना चले इसलिए मैंने उसको दफना दिया। कुछ दिन बिना मर्डर किए मैं बहुत खुश था। सोच रहा था कि इस जायदाद का मैं राजा बन गया। लेकिन सुभद्रा के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं था। सोच रहा था कि क्या करूं। तभी पता चला कि तुम्हारी कंपनी वाले उस बाघ को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो सुभद्रा को ही मैंने उस पिंजरे में बंद कर दिया। हे बेबी, आई एम कमिंग, आई विल बी बैक। चुप। डर क्यों रही हो? आज जो मैं यहाँ हूँ उसकी वजह तुम ही हो। तुमने मुझ पर विश्वास किया। नहीं, अरविंद, प्लीज हमें छोड़। क्या करूँ? अगर तुझे नहीं मिटाया तो मैं खुश रह सकता हूँ क्या? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज, नो, 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 नो। नित्या, इट्स ओके।
छोड़ दिया है, वो अंदर ही है। जगह को लॉक कर दिया है, इस पार्क से हमें किसी भी हाल में बचना है। जगह पर होंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, मैं सीक्रेट डोर जाके खोल के आती हूँ। ठीक है, तब तक तुम लोग प्लीज यहीं पर रहना, प्लीज ध्यान रखना।
इस रास्ते से नहीं जा सकते सर, पेड़ गिरा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी,
नित्या, नित्या, अरविंद, लक्ष्मी, विजय, क्या हुआ लक्ष्मी? अरविंद खूनी है विजय। I can't hear you. उसने हम सबको अंदर बंद कर दिया है। Please हमें बचाओ, please. अरविंद कहाँ है लक्ष्मी? Tell me लक्ष्मी, अरविंद कहाँ है? विजय पीछे देखो पीछे। Oh!
भूखे पास कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। वो तेरी गलती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर यही है, ये नहीं बदलेगा। आई एम सॉरी। छोड़ना मत दीदी, किल हिम। छोड़ दो मुझे, अब मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा,
जाकर किसी और परिवार को मिटाओगे? जानवर भी अपने भूख के लिए शिकार करता है, लेकिन तुम जैसे लोग अपनी खुदगर्जी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम जैसे इंसान का जिंदा रहना ठीक नहीं। Thank you.